अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी अब। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर। क्लाइमेट क्राइसिस है क्या, ये क्यों हो रहा है और इतनी अलार्मिंग सिचुएशन क्यों है कि इसको थ्रेट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट कहा जा रहा है कि ये अब थ्रेट बन चुका है। इंसान जब तक ये थ्रेट जो है इसको हम ख़त्म नहीं करते, ये हमारे सर्वाइवल को अटैक करता है, ये हमारे एग्जिस्टेंस को अटैक करता है। जो फ्यूचर जनरेशंस होंगी वो शायद इस प्लेनेट पे हो ही ना, तो ऐसी कोई जो है साइंटिस्ट बात कर रहे हैं। तो आखिर इतनी अलार्मिंग सिचुएशन क्यों है, ये सारी हम डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा मोस्ट रीसेंट जो अभी एक नई चीज़ हो रही है, COP26 क्लाइमेट समिट, इसको एक हिस्टोरिक समिट कहा जा रहा है, एक हिस्टोरिक इवेंट। इसके ऊपर जो कहा जा रहा है कि दिस इज़ द लास्ट चांस, तो ये आखिरी चांस होगा फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू कम टुगेदर एंड डिसाइड what they want to do, how they are going to shape their future, the future of the generations। तो ये सारा कुछ इस समिट में कुछ हिस्टोरिक की जो है टारगेट्स रखे गए हैं, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो मैं आपसे अब कंटेंट शेयर करता हूँ कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करेंगे कि ये एक आजकल थ्रेट कैसे बन चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर कि ये COP26, तो ये नंबर 26 क्या है और ये कोप क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हु इज़ कमिंग एंड हु इज़ नॉट। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई आए कोई ना आए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इनमें ये काउंट किया जाता है कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई कौन नहीं कर रहा। एक तरह से उनकी कोई आता है कोई नहीं आता, वो उनकी पॉलिसी का एक वर्जन समझा जाता है कि अगर कोई अटेंड करता है तो उसकी ये पॉलिसी है कि वो इसके साथ जो है उसमें आप वो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, अगर नहीं आता तो एक तरह से दैट कंट्री डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट कॉन्फ्रेंस, तो वो एक तरह से कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज पेरिस अग्रीमेंट, तो एक पेरिस अग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ये सारे क्लाइमेट से रिलेटेड होंगे। फिर हम बात करेंगे कि COVID-19 ने अच्छा कोई काम किया क्लाइमेट के ऊपर, क्या COVID-19 ने कोई अच्छा इम्पैक्ट रखा इसके ऊपर, या जो एक्सपेक्टेशन थी कोविड से वो भी जो है पूरी नहीं हो सकी, तो ये भी बात करेंगे। उसके अलावा हम टारगेट्स के ऊपर बात करेंगे कि COP26 में आखिर ये टारगेट्स रखे क्या गए थे, जो इसको जो है एक लास्ट चांस कहा जा रहा है या फिर इसको हिस्टोरिक अग्रीमेंट कहा जा रहा है, हिस्टोरिक इवेंट कहा जा रहा है। तो आपने वीडियो पूरा देखना है अगर आपने ये पूरी तरह से समझना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको क्लाइमेट चेंज का समझा दूँ। देखें, जो हम इंडस्ट्रियल इरा की अगर बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल इरा से पहले कहा जाता है कि टेम्परेचर सिर्फ 0.1 डिग्री सी पर सेंचुरी बढ़ता रहा था, लेकिन इंडस्ट्रियल इरा के बाद से लेके अब तक, मतलब ये जो लास्ट 200 इयर्स से, उनमें टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ा है। अब 1 डिग्री सी आप सोच रहे होंगे कि इतना कोई ख़ास तो नहीं है, 1 डिग्री से क्या होता है, लेकिन इससे बहुत ही बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो जब लास्ट आइस एज आई थी, आइस एज में ये हुआ था कि पूरा प्लैनेट जो है फ्रीज हो चुका था, पूरी बर्फ हो गई थी पूरी प्लैनेट के अंदर, तो वो सदियों तक रहा था। तो उस वक्त जो आज का टेम्परेचर है उससे सिर्फ 6 डिग्री सी कम हुआ था। इसका रेफरेंस मैं आपको देता हूँ, मैंने एक जो है बिल गेट्स की अभी अभी एक नई बुक आई है उसमें ये बात मौजूद है, मैंने वहाँ से ये कोट की है। तो लास्ट आइस एज में आज से टेम्परेचर जो है उसका माइनस जो है एक तरह से 6 डिग्री सी पीछे हो गया था, उसकी वजह से आइस एज आ गई थी। तो आप खुद सोचें कि 1 डिग्री सी का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर ये ज़्यादा हो जाती है। तो अब फॉसिल फ्यूल की बात करें तो जब इंडस्ट्रियल एरा आई, जब नई मशीन्स तैयार करने लगी और इंडस्ट्रीज फॉर्म हो गई, फैक्ट्रीज फॉर्म हो गई, तो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ गया। अब फॉसिल फ्यूल क्या है, देखें, जो कार्बन हाइड्रेट्स होते हैं वो पहले ज़मीन में मौजूद थे, अंदर मौजूद थे, वो ज़मीन के है कि अंदर मौजूद थे, वो एटमॉस्फेयर में नहीं थे। अब ये जो है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए उनको बाहर निकालना शुरू कर दिया गया, कोल निकाला गया, नेचुरल गैस निकाली गई, पेट्रोलियम निकाला गया,
ये आपकी डीजल, ये पेट्रोल, ये सारा कुछ ये आपकी पेट्रोलियम में काउंट होता है। तो जब हमने इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जब हमने फैक्ट्रीज लगाई, गाड़ियां चलाई, बाइक्स चलाई, इनसे जो धुआं निकलता है ये इमिशन होती है कार्बन की। हम घर में चूल्हा चलाते हैं, ये मीथेन होती है। तो ये जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सारा फॉसिल फ्यूल में काउंट होता है। जब ये चीजें वहां से निकलती हैं तो ये एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं और एक एक लेयर तक ये ट्रैप हो जाती हैं। जब ये ट्रैप हो जाती है तो वो सनलाइट को भी वहां पे ट्रैप कर देती है, कुछ सनलाइट वहां से क्रॉस कर जाती है लेकिन कुछ जो हीट होती है वहां पे उसके साथ ही ट्रैप हो जाती है। तो वो एक हार्ड लेयर बन जाती है पूरी धरती के अंदर, पूरे अर्थ के जो है अराउंड, तो जो कि प्लेनेट को गर्म करता जा रहा था। इसका एग्जाम्पल अगर आप ले लें तो आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और आपने अंदर हीटर चलाए हुए हैं, तो आप जब जितना ज्यादा उसके अंदर होंगे वो उतना ज्यादा गर्म होता जाएगा। तो इसी तरह से हमारा प्लेनेट भी गर्म होता जा रहा है और जितनी इमिशन होती जाएगी, जितना हम इसको इस्तेमाल करेंगे उतना हमारा प्लेनेट भी गर्म होता जाएगा। तो इंडस्ट्रियल एरा के बाद से अभी तक 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ गया है धरती का। उसके बाद इट वुड बी फाइन इफ यू गो विथ 1.5 बिफोर 2100 ईयर्स। तो इस सेंचुरी के एंड तक अगर हम सिर्फ 1.5 तक भी चले जाए तो साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा मसला नहीं होगा। इवन अगर 2 डिग्री सी तक भी ये चला जाए तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मैनेजेबल हो जाएगा। लेकिन ये 2030 तक ही जो है 1.5 का खतरा दिखा रहा है कि 2030 तक ही ये 1.5 बढ़ रहा है और एट द एंड ऑफ द सेंचुरी ये 2.7 डिग्री सी बढ़ जाएगा, जो कि अलार्मिंग है, जो कि बड़ी एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, इसीलिए इतनी अर्जेंसी दिखाई जा रही है, इतना इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। उसके बाद अगर हम कंट्रीज की बात करें तो 57.22% सिर्फ 5 कंट्रीज हैं जो कि ग्लोबली एमिट करते हैं कार्बन हाइड्रेट्स, जिसमें चाइना सबसे ज्यादा, फिर यूएस, फिर इंडिया, फिर रशिया, फिर जापान। ये वो टॉप 5 कंट्रीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ 57% जो आपकी टोटल ग्लोबल एमिशन है उसमें सिर्फ 57.22% तो ये 5 कंट्रीज एमिट करते हैं। अब हम आते हैं इसके इम्पैक्ट के ऊपर। तो जब हम ये एमिट करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? देखें, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जो आपने आपने सुना होगा कि अंटार्कटिका या आर्कटिक जो आइस होती है वहां पे जो बर्फ जमी हुई होती है वो पिघल रही होती है, बड़े बड़े पुराने ग्लेशियर्स पिघल के गिरते हैं। तो इनके पिघलने से सी लेवल बढ़ता है। सी लेवल पहले भी बढ़ता था लेकिन अब वो नॉर्मल स्पीड से ज्यादा बढ़ रहा है। इसी तरह से हमारा टेम्परेचर भी जो है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि अभी अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया था या फिर अमेरिका का जो कैलिफोर्निया का इलाका था वहां पे वाइल्ड फायर शुरू हो गई थी, जंगलात में आगे आग लग रही थी। टर्की में आपने सुना होगा कि वाइल्ड फायर था वो, जो कि फॉर वीक्स वो चलता रहता है। इन पता नहीं कितनी ज्यादा एकड़ की जो जमीन होती है वो सारी जल जाती है, वो सारे पेड़ खत्म हो जाते हैं, उसके साथ वो जो अंदर जानवर होते हैं उनका भी नुकसान होता है। तो इन्हें कहा जाता है हीट वेव्स, जिसकी वजह से एक कुछ साल पहले कराची में भी हीट वेव आई थी, एकदम से गर्म टेम्परेचर आ जाता है जिसकी वजह से लोग भी मर जाते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंट रेनफॉल्स भी होते हैं। रेनफॉल्स का फ्रीक्वेंटली आना जाना मतलब एकदम से जो है, वैसे तो एक सीजन में आते हैं तो ये सीजन के बगैर ही आ जाएंगे, विद इन वीक्स आते रहेंगे, ड्राउट्स आते रहेंगे, खुश्कसाली होगी, पानी नहीं होगा, फिर फूड सिक्योर इनसिक्योरिटी होगी, फूड सिक्योरिटी का खदशा होगा, मतलब फूड की भी आपको जो है किल्लत हो सकती है। अगर आपके पास पानी नहीं होगा तो आपका एग्रीकल्चर कैसे होगा? तो ये सारी चीजें क्लाइमेट में काउंट होती है, जिसकी वजह से इतनी अलार्मिंग सिचुएशन बनी पड़ी है। तो अब ये जो है यूनाइटेड नेशंस ने एक कदम उठाया था 1992 में, अर्थ समिट बुलाई गई थी क्लाइमेट की सिचुएशन को देखते हुए कि अब क्या किया जाए। तो उसके ऊपर एक बहुत ही हिस्टोरिक ट्रीटी साइन की गई थी जिसका नाम था द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, जिसकी जो जो है उसको इसको वर्क में इन्फोर्स किया गया था 1994 में। इसमें यह कमिट किया गया था कि हर साल हम मिलते रहेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। तो इसकी इसकी जो
जो आपने कोप देखा है, जो आप पढ़ रहे हैं COP, कोप, इसकी अगर हम इसको फुल फॉर्म में लाएं तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। तो उसमें जो पार्टीज थी 156 कंट्रीज से तब 1992 में, तो उस वक्त जो है इन पार्टीज की कॉन्फ्रेंस को ये कहा जा रहा था कि COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो जितनी उस वक्त से लेके आज तक जितनी पार्टीज हो रही हैं उनको COP 1, 2, 3 कहा जा रहा है। COP 1 जो थी वो 1995 में थी, और कुछ इम्पोर्टेंट कॉप्स भी थी जिसमें हम देखते हैं कॉन्फ्रेंसेस जो थी उनमें क्योटो प्रोटोकॉल एक बहुत ही हिस्टोरिक डील थी। इसके ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे आप, क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं है, किसी और दिन करेंगे। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, COP 3 था ये, और 2015 में COP 21 पेरिस अग्रीमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये साइन किया गया था। उसके बाद ग्लासगो अग्रीमेंट जो कि आज वाला COP 26 जो है 31 अक्टूबर को शुरू होगा। तो अब हम बात करते हैं COP 26 के ऊपर, ये आखिर है क्या। देखिए ये एनुअल समिट है, जो कि मैंने आपको बताया कि USCC के अंदर एनुअली आपने मिलना होता था पार्टीज ने, जो कंट्रीज होते थे। तो ये 26 जो है कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए इसको 26 कहा जा रहा है। इसको वैसे तो 2021 में जो है 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से वो हो नहीं पाया था, तो अब ये 2021 में हो रहा है। इसमें अभी तक जो है 30,000 जो है लोग आने वाले हैं, जो कि रजिस्टर्ड हैं अभी तक। उसके अलावा इसमें जो लोग होंगे वो वर्ल्ड लीडर्स होंगे, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, बिजनेसमैन होंगे, NGO से ताल्लुक रखने वाले होंगे, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स होंगे, एक्टिविस्ट होंगे, तो ये सारे वहाँ पे मौजूद होंगे जो कि इसमें जो है अपना कुछ ना कुछ किरदार अदा करेंगे। ये 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक होगी। इसमें पार्टी ऑफ UN क्लाइमेट ट्रीटी टाइप ट्राइंग टू अवॉइड क्लाइमेट जो है कैटास्ट्रोफी, ये वही बात जो मैंने आपको बताया पीछे जो हिस्ट्री थी सारी। 26 मीटिंग इन ग्लासगो स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड में होने वाली है, ग्लासगो शहर है, जिसकी वजह से इसको ग्लासगो कॉन्फ्रेंस भी कहा जा रहा है। तो अब आने वाले कोई कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसका मैंने आपको बताया कि अगर कोई कंट्री अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं देता तो उसका यही मतलब होता है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड, तो वो कंट्री इंटरेस्टेड ही नहीं है उसके अंदर, वो नहीं चाहता कि ऐसा कोई कदम मैं ऐसी कोई पॉलिसीज मुझ पर जो है इन्फोर्स की जाए कि मैं वो करूं। तो इसमें तो ज़्यादातर यही होता है कि उस वो कंट्री खुद या तो वो उसके ऊपर रिलाय करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गई। अभी अभी BBC में भी एक तरह से लीक्स हुए थे कुछ डॉक्यूमेंट्स के, जिनमें ये था कि किसी तरह से ये कोई क्लाइमेट के ऊपर ऐसी कोई एग्रीमेंट ना हो। खैर तो ये कंट्रीज के नाम हैं, कुछ कुछ जो है वर्ल्ड लीडर्स के नाम हैं। अच्छा, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि शामिल ही नहीं होना चाहते इस पार्टी के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो खुद नहीं आएंगे लेकिन वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे या फिर और जो है वर्चुअल मीटिंग करेंगे। रशियन प्रेसिडेंट का कुछ नहीं पता अभी तक, जिनपिंग का भी जो है कह रहे हैं कि वो शायद वर्चुअल मीटिंग करें। उसके अलावा जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी शायद वर्चुअल मीटिंग करें। साउथ अफ्रीकन का भी ऐसा ही कुछ है कि शायद वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजें। ईरानियन प्रेसिडेंट नहीं जा रहे, क्वीन एलिजाबेथ जाने वाली थी लेकिन उनकी हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, वो नहीं जाएंगी। पोप फ्रांसिस नहीं जाएंगे, जो कि क्रिश्चियन वर्ल्ड के जो है सबसे बड़े रिलीजियस लीडर हैं। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट का कोई कंफर्म नहीं है। मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओबरेदो, इनका भी मेरे ख्याल से ये नहीं जाएंगे। तो अब बात करते हैं पेरिस अग्रीमेंट में क्या हुआ था, इसको क्यों इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। ये था कौन जो है, ये 21st मीटिंग थी इस अग्रीमेंट की। इसमें 196 नेशंस से 2015 में साइन हुई थी। कंट्रीज कमिटेड टू लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर टू वेल बिलो 2°C अबव प्री इंडस्ट्रियल एरा। तो इसमें ये कमिट किया गया था कि हमने टेम्परेचर किसी भी हाल में 21वीं जो है जो इस सेंचुरी के एंड तक 2°C से नीचे रखना है या फिर 2°C तक ही रखना है। अगर हम सब जो है 1.5 तक पहला एफर्ट दिया जाएगा कि पहले तो हमने कोशिश करनी है 1.5 तक, अगर ये नहीं होता तो हमने कुछ भी करके 2 तक रखना है, ठीक है। तो इसमें आपने ये एक टारगेट रखा गया था कि 2050 तक हमने ये जो इमिशन है वो 0 तक लानी है, और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि 2030 तक इसको हाफ तक लाना था।
तो खैर, इट रिक्वायर्स कंट्रीज टू रिटर्न टू द नेगोशिएटिंग टेबल एवरी 5 ईयर्स विथ फ्रेश टारगेट्स। तो 5 साल के बाद आपने फिर से आना है विथ फ्रेश टारगेट्स, तो वो 5 साल पूरे हो गए। वैसे तो 2020 में पूरा हो गया था, लेकिन उस वक्त फिर वो कोविड आ गया था, तो आज जो है, कल जो है, 31 अक्टूबर को ये शुरू होगा। सो फार अगर हम देखें तो अभी तक जो टेम्परेचर है वो 1.2 डिग्री सी हो गया है। अभी हम तो 21 में है, 2021 में है, और ये 1.2 पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि जो कोविड ने जो अपना हमने जो उससे एक्सपेक्ट किया था कि ये क्लाइमेट के ऊपर अच्छा असर रखेगा, हालांकि इसने सिर्फ 5% ही जो ग्लोबल इमिशन थी उसने इतना ही इतनी ही जो है कम की, क्योंकि इसकी वजह ये, अच्छा देखें, ये हमने पूरी दुनिया की इकोनॉमी बंद करके रखी थी, सारी दुनिया की इंडस्ट्रीज बंद थी, फैक्ट्रीज बंद थी, पूरी दुनिया में गाड़ियां अपने घरों में मौजूद थी, मतलब एक तरह से गाड़ियां भी बंद थी, कोई इमिट नहीं हो रहा था, बस घर में जो चूल्हे हल्के फुल्के जल रहे थे, उसके बावजूद भी सिर्फ 5% हम इसके ऊपर एमिशन कम कर चुके कर सके हैं कोविड में। हालांकि हमें 7% एवरी ईयर ग्लोबल इमिशन कम रखनी है, मतलब 7% तक ग्लोबल इमिशन नहीं हो फॉर दिस डेकेड, ये 10 साल 7% हमें ग्लोबल इमिशन रखनी है कट। तो इसी इसी तरह से अगर हम ये डेकेड 7% कम रखते आए हर साल, तभी हम 1.5 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो इसके मुकाबले में अगर हम कोविड वाला देखें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। टारगेट्स ऑफ COP26, तो अब जो मेन चीज है वो आपने सुननी है कि टारगेट्स क्या थे, टारगेट्स क्या रखे गए हैं। बाकी तो अब जब कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बताया जाएगा, लेकिन ये जो उससे पहले के टारगेट्स हमें बताएंगे कि हम ये चीजें करेंगे। सब 4 टारगेट्स रखे गए, सबसे पहले से क्या, और ग्लोबल नेट जीरो बाय मिड सेंचुरी। तो मिड सेंचुरी 2050 तक हमने जो इमिशन है उसने उसको जीरो तक लाना है किसी भी हाल में, और 1.5 डिग्री सी तक रखना है टेम्परेचर को मिड सेंचुरी तक। नीड टू एक्सीलरेट द फेज आउट ऑफ कोल, तो जो कोल का इस्तेमाल है उसने उसको हमने खत्म कर देना है, उसका उसको कंटिन्यू नहीं रखना। और कर्ब डिफॉरेस्टेशन, तो जो हम जंगलात काटते हैं, पेड़ काटते हैं, इसको भी हमने खत्म करना है, इसको भी रोकना है। स्पीड अप द स्विच टू ग्रीनर इकोनॉमीज, तो जो जो आपने अपनी इकोनॉमीज चलाते हैं फॉसिल फ्यूल के ऊपर, वो आपने शिफ्ट करना है रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर, विंड के ऊपर, सोलर के ऊपर, या न्यूक्लियर के ऊपर। तो उनके जो वो सोर्सेज अपने आप आपने वो इकोनॉमीज अपनी को वहां पे शिफ्ट करना है। कार्बन मार्केट मैकेनिज्म विल बी पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस, तो कोई मैकेनिज्म लाया जाएगा इसके ऊपर। अडेप्ट मोड, चाहे दूसरी पॉइंट है कि अडेप्ट मोड प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड नेचुरल हैबिटेट्स, तो अब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस भी लाए जाएंगी, कुछ इन जो है नई हम बताएंगे कि क्या करना है उसमें। ये होगा कि कंट्रीज नीड टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इकोसिस्टम्स, तो अपने जो माहौल है, माहौलियात हैं, उनको उन कंट्रीज ने प्रोटेक्ट करना है, अगर कहीं बिगाड़ा है तो उसको रिस्टोर करना है। उसके बाद बिल्ड डिफेंसेस, और इस तरह से अपने घर जो बिल्डिंग से ऐसी बनानी है कि अगर कोई ऐसा कैटास्ट्रोफी आ जाती है क्लाइमेट की वजह से, नेचुरल कोई डिजास्टर आता है, तो उसको वो सिक्योर रहें। वार्मिंग सिस्टम्स रखें, वार्निंग सिस्टम रखे जाएं, तो और रेसिडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि आगे जाके जो कैटास्ट्रोफीज हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं उनसे लोगों को बचा सके। दूसरा होगा कि मोबिलाइज फाइनेंसेस। देखें, COP15 जो थी, जो पेरिस अग्रीमेंट में था, उसमें 100 बिलियन रिच कंट्रीज के लिए टारगेट रखा गया था कि आपने हर साल जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो पुअर कंट्रीज है, उन्होंने आपने उनको आपने देना है, ताकि वो अपने जो जो टारगेट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, उनको मिटिगेट करने के, वो सही से सिक्योर कर पाए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो ये कर नहीं पाते। क्योंकि अब देखें, जो रिच कंट्रीज होते हैं एमिट वो कर रहे होते हैं और भुगतना गरीबों को पड़ता है, तो एक तरह से वो कहते हैं कि आपने पैसे देने हैं उनको ताकि वो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए। और दैट प्रॉमिस वाज नॉट केप्ट, तो ये प्रॉमिस उन्होंने पूरा नहीं किया। एंड COP26 विल बी क्रूशियल टू सिक्योर द फंड्स, तो इसके ऊपर फिर से बात होगी इसमें, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज सेट न्यू क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय 2025।
तो फिर से कोई फाइनेंशियल टारगेट रखा जाएगा कि आपने ये पैसे देने, और उसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी रोल जो है लाया जाएगा कि वो भी कुछ अपना किरदार अदा करें। उसके बाद जो चौथी पॉइंट है, वर्क टुगेदर टू डिलीवर, एस्टेब्लिशिंग कोलैबोरेशंस बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिजनेस एंड सिविल सोसाइटी, फाइनलाइजिंग द पेरिस बुक रूल जो कि पेरिस अग्रीमेंट की बात है, टू मेक द अग्रीमेंट फुली ऑपरेशनल। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लगा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।